दोस्तों, यदि आप इस प्रकार का एलईडी लालटेन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, जैसे ही दिवाली का टाइम आएगा, इस प्रकार का लाइट्स आपको मार्केट में देखने को ढेरों मिल जाएंगे। ये लाइट्स अगर मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तो वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस लाइट को बहुत ही सस्ते कीमत में बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसको आप कई नाम दे सकते हैं, एलईडी लालटेन दे सकते हैं, डिस्को लाइट दे सकते हैं, धमाका चकरी नाम दे सकते हैं। चूंकि ये घर का बना हुआ लालटेन है इसलिए आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम आज इसको सीख लेते हैं कि कैसे बनाना है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें एक सीडी कैसेट की जरूरत पड़ेगी। हमारे आपके घर में ये सीडी कैसेट फालतू में पड़े हुए हैं आजकल, क्योंकि जब से ये स्मार्टफोन आ गया है तब से ये सीडी कैसेट का जमाना चला गया। तो आज हम इसी से लालटेन बनाएंगे। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ एलईडी है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मार्केट में आपको एक एक एलईडी 1 से 1.5 रुपए का मिल जाएगा। ये मल्टी कलर एलईडी है और ये 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक चलता है। इसको आप किसी मोबाइल के बैटरी से चला सकते हैं, या आपके पास चार्जर पड़ा है तो उसका आगे वाला हिस्सा काट के उसमें जोड़ के आप इसको चला सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए ग्लू स्टिक है, ये भी मार्केट में आराम से मिल जाता है, आप इसको मार्केट से खरीद लें। यदि आपको ये ग्लू स्टिक नहीं भी मिलता है तो इसका भी एक सोल्यूशन है। हॉस्पिटल में जो सुई लगाने के लिए सिरिंज का उपयोग होता है, तो आगे वाले हिस्से में, जो सिरिंज के आगे वाले हिस्से में एक प्लास्टिक का कवर रहता है, उस प्लास्टिक के कवर से भी आप काम चला सकते हैं। तो यदि आपको ये ग्लू स्टिक नहीं मिलता है तो आप कहीं से वो सिरिंज वाला प्लास्टिक का कवर जुगाड़ कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा आपका। ये देखिए, सोल्डिंग करने के लिए सोल्डिंग वायर है, इसका भी थोड़ा सा प्रयोग होगा। ये देखिए, सोल्डिंग आयरन है। यहाँ पर देखिए कुछ वायर्स का जरूरत पड़ेगा हमें। ये जो सीडी कैसेट है, देखिए मैंने इसमें, यहाँ पे मैंने इसको निशान लगा लिया है कितना एलईडी हमें कहाँ कहाँ लगाना है। और हर एक एलईडी में 2 तार होता है, इसलिए हमें क्या करना है कि दोनों एलईडी के जगह पे, देखिए यहाँ पे ऐसे सुई से हमें इसमें छेद कर लेना है। हम क्या करेंगे, सुई को पहले गैस पे गर्म करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पूरे कैसेट में हम जहाँ जहाँ हम निशान लगाए हैं वहाँ वहाँ हम इसको छेद कर देंगे। और छेद करने के बाद देखिए इस प्रकार से हम एलईडी को यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पूरे कैसेट में 11 एलईडी का प्रयोग होगा, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पहले छेद कर लेते हैं सुई से, उसके बाद फिर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सुई की मदद से पूरे सीडी कैसेट में जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ वहाँ छेद कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस छेद में एक एक एलईडी को अच्छी प्रकार से डाल दूंगा। जितना भी एलईडी है उसको मैं इस सीडी कैसेट में पूरी तरह से अच्छे से लगा देता हूँ। देखिए इस एलईडी में 2 तार होते हैं, एक देखिए बड़ा वाला है, ये प्लस होता है, और देखिए इस साइड में ये छोटा तार है, हल्का सा छोटा रहेगा वो माइनस है। तो हमें क्या करना है, ये जो प्लस वाला तार है इसको हम अंदर साइड रखेंगे और माइनस वाला तार को हम बाहर साइड रखेंगे। और देखिए इस प्रकार से पूरे डिस्क में हम इस प्रकार से एलईडी को लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे डिस्क में एलईडी को अच्छे प्रकार से लगा दिया है। ये देखिए पीछे साइड में इसका वायर निकला हुआ है। हम क्या करेंगे, ये प्लस प्लस वाले को एक में मिलाते हुए हम अंदर साइड में दबा देंगे, और ये जो माइनस माइनस में है उसको भी हम आपस में मिलाते हुए हम क्या करेंगे, इसको बाहर साइड में ही थोड़ा सा हम दबा देंगे। और देखिए इस प्रकार से पूरे एलईडी के तार को हम अच्छे से दबा देंगे, और दबाने के बाद हम क्या करेंगे उसमें सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्लस प्लस में और माइनस माइनस में सबको अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस वाले को इस पीले वाले तार से हम सबको कनेक्ट कर देंगे, और जो बाहर साइड में माइनस का तार है उसको हम नीला तार लेंगे और उससे हम सबको ज्वाइंट कर देंगे एक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्लस प्लस को पीला तार से कनेक्ट कर दिया है, और ये जो बाहरी साइड में माइनस तार था उसको मैंने नीला तार से सबको आपस में कनेक्ट कर दिया है। और उसके अलावा ये देखिए
मैंने एक लंबा तार जोड़ दिया है ताकि इसको मैं किसी बैटरी से या चार्जर से कनेक्ट करके इसको जला सकूं। चलिए दोस्तों, कनेक्शन पूरा हो गया। अब हम इस बैटरी से कनेक्ट करके इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, ये देखिए जलना शुरू हो गया। ये बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज है इसलिए थोड़ा स्लो जल रहा है। जब मैं इसको चार्जर से कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि कितना स्पीड में जलेगा। अब देखिए, ये ग्लू गन स्टिक है, इसको हम क्या करेंगे, ये शोल्डर की मदद से इसमें हम छेद करेंगे। शोल्डर पहले जब आपका गर्म हो जाए उसके बाद इसमें इस प्रकार से आप छेद कर दीजिए, और थोड़ा छेद होने के बाद ये जो एलईडी बल्ब है इसमें आप इसको घुसा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सारे ग्लू स्टिक को मैं एक एक एलईडी पे अच्छे से लगा दिया हूँ। अब देखिए, आप चाहें तो इसके ऊपर एक और डिस्क लगा के आप इस प्रकार से आप लैंप बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ऊपर से आप इसको खुला रहने दे सकते हैं। अब देखिए, अभी तक ये बैटरी से जल रहा था, अभी मैं क्या करूँगा, ये देखिए मेरे पास चार्जर है, ये मैं आगे वाला हिस्सा इसका काट दिया हूँ, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसके प्लस वाले को प्लस में, माइनस वाले को माइनस में कनेक्ट कर दूंगा, और कनेक्ट करने के बाद मैं इसको प्लग में लगा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छे से जल रहा है ये, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से अपने घर में बहुत ही सस्ते दाम पे इसको बनाकर अपने घर में लगा सकते हैं, और देखने वाले देखते रह जाएंगे। और यदि आप चाहें तो किसी फंक्शन में, किसी फेस्टिवल पे, जैसे दीपावली में, आप इस प्रकार का लैंप बनाकर अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जब आप सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे उसके बाद बगल में एक छोटा सा घंटी आएगा, उस घंटी को जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पहुँचेगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, इसी प्रकार की एक और इलेक्ट्रिक जुगाड़ के साथ मैं अगले वीडियो मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।